नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित महकमा कार्यालय के एक डिप्टी मजिस्ट्रेट के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट सर डिप्टी कलेक्टर को दुर्गापुर के मलानदेगी कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्गापुर महकमा शासक अनिर्वाण कोले ने बताया कि घटना के बाद सभी सावधानी बरती जा रही है। इसके साथ ही आगामी सोमवार तक सब प्रशासनिक कार्यालय को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, परंतु आवश्यक कार्य ऑनलाइन के माध्यम से किए जाएंगे। श्री कोले ने बताया कि पूरे कार्यालय को सैनिटाइज कर दिया गया है। वहीं महकमा शासक समेत दर्जनों अन्य अधिकारी खुद को क्वारंटाइन में कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार विगत सप्ताह भर से पीड़ित डिप्टी मजिस्ट्रेट बीमार चल रहे थे। उनके अस्वस्थता के कारण एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन शुक्रवार को उनका स्वाब जांच आने के बाद कोरोना सकारात्मक पाया गया, जिसके बाद से ही महकमा कार्यालय व क्षेत्र में हलचल मच गई। आनन फानन में उन्हें अस्थायी रूप से बने कोविड अस्पताल मालानदेगी में भर्ती कराया गया है। मालूम हो कि दुर्गापुर प्रशासनिक भवन के आसपास अदालत, डाकघर, आरटीओ ऑफिस, सिविल डिफेंस और जेलखाना स्थित है।